बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको पेशावर की बहुत ही मशहूर डिश चिकन चरसी कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कढ़ाई को बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं। चिकन हमने 1 केजी लिया है, आधा किलो टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, चंद हरी मिर्चें कटी हुई, नमक हसबे जायका 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया कुटा हुआ, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें साबुत, और 1 कप जो है हम दही इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इसको पकाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डाल दिया। अब इसी ऑयल में जस्ट हमने अपना चिकन ऐड करना है और इसको हमने वाइट यानी कि हल्का सा अपना कलर चेंज करेगा तब तक इसको भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना कलर वो चेंज कर लिया है, इसे हमने 2 से 3 मिनट पकाया। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और 1 से 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। लहसुन को हमने भून लिया है, अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। अब टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक चिकन और टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। वक्फे-वक्फे से हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे और अब इसको फिर से कवर करके रख देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि जो टमाटर का पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका है और जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं। सारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी तकरीबन 1 मिनट। ये देखें, अब हमारी जो हरी मिर्चें और नमक वो अच्छे से हमने इसको भून लिया है, इसने घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए, और साथ में ही मैं क्या करूंगी, साबुत हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको मजीद भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी। दोबारा कवर करके रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दही का पानी वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मजीद इसको मैं 1 मिनट भूनूंगी। अब हम इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी डिश है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हम बिल्कुल लास्ट पर जाकर इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर रहे हैं। साथ में ही मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूंगी और बाकी की बची हुई हरी मिर्च। माशाल्लाह हमारी डिश को बहुत ही खूबसूरत कलर आया है
और ये टेस्ट में भी बहुत ही डिलीशियस लग रही है। टमाटर का पानी, दही का पानी बिल्कुल खुशक हो गया था और टमाटर भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए। इसके साथ ही आज की हमारी ये डिश जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब लास्ट पर हम लंबा लंबा जो उसमें अदरक कट करके मैं शामिल कर रही हूँ, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, ये हमने अदरक भी डाल दिया इसमें लंबा कट करके। थोड़ी सी मैं इसमें दोबारा से हरी मिर्चें जो हैं वो कटी हुई ऐड करूंगी और थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। चले जी, अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। यहाँ तक हमारी डिश जो है वो कम्प्लीट हो गई। इसके साथ ही आज की हमारी जो रेसिपी है वो कम्प्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।